शाहजहांपुर में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जैतीपुर ब्लॉक के गांव गोबपुर में महादेव का प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिस पर सावन महीने सहित हर समय भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। मंदिर में लगा पत्थर इस बात को दर्शाता है कि यहां पर यह शिवलिंग 400 वर्ष से स्थापित है। मंदिर कितना प्राचीन है और क्या इतिहास है इसका? ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ 3 किलोमीटर पे गांव खमरिया है, उसके ठाकुर थम्मन सिंह थे जमींदार। वो राजा साहब थे तो उसी समय यहाँ पे जमीन बढ़िया थी, तो उन्हें अपने नौकर जाकर बैल बढ़िया रखने के लिए एक बग्गर बनाया था। उस बग्गर के अंदर एक झाड़ी फंस गई, तो जाकर ये झाड़ी को बीच में से निकाल लो। जब वो झाड़ी को खोद रहे थे तभी ये मूर्ति निकली और मूर्ति के नाक में फावड़ा रगड़ गया। वो फावड़ा रगड़ने से नाक से दूध बहने लगा। जब दूध बहने लगा तो सब लोगों ने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि पत्थर की मूर्ति में दूध निकल रहा है। तभी ठाकुर थम्मन सिंह को खबर गई, ठाकुर अपना हाथी लेके यहाँ आए। उन्होंने देखा कि ये भगवान की मूर्ति है, ऐसा करो इनके घर के गांव के लिए ले चलो। तो उनके कुछ राय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये कहीं घर में और मकान में रखने को तो है नहीं, इनके लिए कहीं मंदिर बनवाओ बगीचे में। तो ठाकुर ने अपने गांव बगीचा में खमरिया में मंदिर बनवाया। वो भी मंदिर अभी खड़ा है, इतना ऊँचा है, बड़ा विशाल। जब बन के तैयार हुआ मंदिर, उसके बाद आके इनकी खुदाई कराई। तो खुदाते खुदाते कई दिन तक लेबर चलने लगी, जो खोदते थे नीचे थे मोटाई में है और नीचे कोई पता नहीं कहाँ तक। तो 35 फीट में हमारे यहाँ पानी निकलता है, तो 35 फीट जब खुदा दिया मूर्ति का पता नहीं पानी निकलने लगा। तो उनके पास 7 हाथी थे, 7 हाथी ला के इनके सांकड़े बांध के इनको खिंचाया। जब ये नहीं हिले रात को वो यहीं ठहरते थे, तब उनको रात में सुपन दिया कि मंदिर बनवाना तो यहीं बनवाओ, हम वहाँ नहीं जाएंगे, नांदिया को वहाँ ले जाओ, मैं यहाँ रहूँगा। तब नांदिया को वो यहाँ ले गए और अपने आप रहे, तभी ये मंदिर बना गया। और जो भक्त अपनी सच्ची आत्माओं से आते हैं उसकी भरपूर पूर्ति होती है, सच्चा दरबार है। यहाँ पर कोई वार्षिक मेला भी लगता है? हाँ, फागुन के महीने में महाशिवरात्रि को मेला भरता है। और इनका गोपेश्वर नाथ नाम है, इसी के नाम से गोगेपुर का नाम रखा गया, गोगेपुर गोपेश्वर नाथ।